नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आए दिन बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में नए नए नाम जुड़ रहे हैं, जिसमें बड़े अभिनेता से लेकर छोटे अभिनेता, यहाँ तक कि बॉलीवुड कलाकारों से लेकर छोटे पर्दे के कलाकार भी नजर आ रहे हैं। अब बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आए नए ड्रग एंगल की जांच में एनसीबी पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी मामले में 18 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड एब्रीएला के भाई अगिसिला ओश को जमानत मिलते ही एनसीबी ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले नारकोटिक्स के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए दक्षिणी अफ्रीकी नागरिक एब्रीएला के भाई ने एक विशेष NDPS अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बाद में उन्हें शर्तों पर जमानत दी गई थी। NDPS अदालत ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था, लेकिन हालिया बदलाव के अनुसार NCB ने एक बार फिर से एक अन्य ड्रग्स मामले में अगिसिलोस को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों की माने तो अगिसिलोस एक बहुत बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के मेंबर हैं। उन्हें एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर्स के साथ संपर्क में होने के कारण गिरफ्तार किया था। बता दें कि एनसीबी की टीम को उनके पास से हशीश और एल्प्राजोलम की टैबलेट्स मिली थी। इतना ही नहीं, अगिसिलोस ने उन ड्रग पेडलर को भी ड्रग्स सप्लाई किया था, जिनसे रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के ड्रग्स खरीदा था। आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल और एब्रीएला लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन एक बेटे की पेरेंट्स से। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को हाल ही में जमानत पर रिहा कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को बेल नहीं दी है। कोर्ट ने शोविक चक्रवर्ती को सीधे तौर पर ड्रग्स पेडलर्स के साथ संपर्क में रहने का दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से उनकी जमानत नहीं हो सकी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।